युवा छिंदवाड़ा की तत्वावधान में दैनिक वेतन भोगी श्रमिक पिछले 25 से 30 वर्षों तक लगातार संघर्ष करते आ रहे हैं, जिसके बावजूद आज भी यहां महिलाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। पिछले 3 माह से ये महिलाएं बेरोजगार हैं। ओबीसी युवा महासभा द्वारा अपनी मांगों से जिला कलेक्टर को अवगत कराया गया है और चेतावनी दी कि अगर उनकी मांग नहीं मानी जाती तो वह उग्र आंदोलन करेंगी। न्यायाधीश मनोज सोनी पर दुष्कर्म का आरोप लगा है। रीवा माओ की निवासी पीड़ित लड़की ने अजयगढ़ मजिस्ट्रेट पर रेप का संगीन आरोप लगाया है। लड़की की शिकायत पर अजयगढ़ थाना में मामला दर्ज किया गया। आरोप है कि मजिस्ट्रेट ने पीड़िता को शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया और वो कहीं ना कहीं शादी कर रहा था और बाद में देखी के पास कलम आ गया। रिपोर्ट किए कि एस पी प्रणा को एक आवेदन दिया था जिसमें हमने ये बताया कि पिछले 3-3.5 साल से जयलत से अजयगढ़ जो मनोज सोनी जी है उनका शादी तय हुआ था और 3 साल से लगातार उनका यौन शोषण कर रहा है और बाद में दहेज मांगे गए थे जिसकी पूर्ति ना करने पर शादी रोक के दूसरे व्यक्ति से वो शादी करने जा रही है। ऐसे उन्होंने आवेदन दिया था। आवेदन पे हमने कुछ जांच किए, कुछ सबूत हमने दिए, कुछ फोटोग्राफ वीडियोज कुछ कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह दिए जिसके आधार पर पुलिस ने फिल्म दृष्टि अपराध देखते हुए एफ आई आर